बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? तो जी आज मैं अपने चैनल पर बड़े मज़ेदार सी सुलेमानी मटन कढ़ाई बनाने लगी हूँ। अच्छा, आप इस कढ़ाई को दुम्बे और बीफ के गोश्त में भी बना सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ये सुलेमानी कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है मटन, और मटन आप देख रहे होंगे मिक्स है, ये हड्डी वाला भी है और थोड़ा चिकना गोश्त भी लिया है मैंने। तो ये 1 किलो मटन हो गया। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी और 3 से 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून अभी मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, नमक हम बाद में और डाल देंगे, अभी कम डाल रहे हैं, और 1 चम्मच बड़ा वाला मैंने भर के यहाँ पे घी का इसके अंदर लिया है, क्योंकि ये गोश्त हमारा ऑलरेडी चिकना है, तो अभी मैं थोड़ा सा घी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि गोश्त का अपना भी चिकना ही जो है सारी निकलेगी। तो बस ये 1 चम्मच हमने भर के इसके अंदर ये घी का डाल दिया। अब इसको हम कवर कर देंगे, गोश्त को मैं कवर कर रही हूँ, और इसको जो है ना गलने तक हम मटन को पकाएंगे। तो इसको पकने देते हैं, जब ये गल जाएगा थोड़ा कुक हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है और पानी भी ड्राई हो गया, और ऑयल आप देख रहे होंगे मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा घी डाला था, और ये जो गोश्त है हमारा इसका गोश्त का अपना ही ऑयल ये निकला है इसमें। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमने कढ़ाई बना रहे हैं कढ़ाई में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब इसके अंदर मसाले जाएंगे, मसाले बिल्कुल थोड़े से जाएंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून ही हम डालेंगे पिसा हुआ जीरा। थोड़ी सी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें, थोड़ी हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे बारीक चॉप करके डाली हैं, और ये 4 हरी मिर्चें मैं साबुत डालूंगी। थोड़ी सी इसके अंदर हम डालेंगे अदरक जूलियन कटी हुई, और 1/2 कप है मेरे पास दही, ये दही भी मैं इसके अंदर इसी स्टेज पर ऐड करूँगी। अब थोड़ी सी आँच हम तेज़ करेंगे और इसको अच्छे से हमने भूनना है, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई सी बनती है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा कोई भी मसाले वगैरह हमने ऐड नहीं करना। तो अब इसको अच्छे से हमने भूनना है। ये हमारी मज़ेदार सी सुलेमानी कढ़ाई रेडी है। इसके ऊपर लास्ट में हमने 1 लेमन का जूस स्क्वीज करेंगे। जो लोग यानी बिल्कुल हल्के से मिर्च मसाले और ड्राई चीज़ें खाने के शौकीन हैं, उनके लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये। आप लोग मेरे कहने से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अब इसमें हम ये हमने जो बारीक हरी मिर्चें काट के रखी थी वो डालेंगे, ऊपर से गार्निश करेंगे। ये आ गई जूलियन अदरक, और यहाँ पर लास्ट में हम इस पर ऐड करेंगे हरा धनिया। ये हमारी मज़ेदार सी सुलेमानी मटन कढ़ाई रेडी है। इसको आप दुम्बे के गोश्त में ही बनाएं। तो जी उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।